इनका माध्यम का देखने के लिए वो हो गया कि नहीं नहीं कहा था उसके पहले बारे कहा था तो देख मतलब कहने पता देखी नहीं जिस दिन मैंने कहा उसी नहीं देखना चाहते हाँ जी जिस दिन मैं कहूँगा उसी दिन देखना है उसके बाद ही तो देखते रहना ना मैथ का मतलब पर डे 10-10 मिनट ठीक है तो हम लोग क्या टाइम तो ज़्यादा हो गया है फिलहाल तो हम लोग क्या आते हैं क्या पता है उसमें परवाल मिलती है परवाल व्यंजन की बात चल रही थी उसमें बदलिमान है लेकिन परवाल मिलतियाँ क्या होती हैं बताइए आप करोगे परवाल मिलतियाँ थोड़ा सा एक थोड़ा समझी बता दीजिए सबको सुनाइए टेक्स बुक ना देखना पड़ेगा मतलब माफी ना हाँ उसे बोलते देखना पड़ेगा जल्दी याद नहीं है इसमें याद करने की कौन सी बात है ये पता कि क्या होता है जीव होते हैं जो मुंगा पॉलिप नाम होते हैं जिनके चारों तरफ चूने के खोल बनते हैं बनाते हैं और इन पर एक सवाल होती है जिसे हम क्यूजन किली कहते हैं ये हरे रंग के होते हैं जो इनके एक दूसरे से सहजीवन संबंध बनाते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ठीक है मतलब उनसे उनका भोजन मिलता पोषण मिलता है ये हुआ इन्हें हम परवाल कहते हैं फिर परवाल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए या उनकी दशाएं कैसी सी होनी चाहिए तो पहले नंबर क्या रखेंगे हम लोग ठीक है टेम्परेचर कितना होगा रखना 20 से 22 डिग्री ओके उसके बाद सेकंड 60-70 उनकी गहराई होनी चाहिए ठीक है और थर्ड पोर्शन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ठीक है उसके बाद आओ उनके लिए स्वच्छ जल साफ सुथरा जल नहीं होना चाहिए ठीक है और आपने मेन चीज बता भूल नहीं है उसका विस्तार 25 डिग्री उनकी अच्छा से 25 डिग्री दक्षिण अच्छा ठीक है ये दशाएं होनी चाहिए परिवार को पनपने के लिए ठीक है इसमें याद करने वाली कौन सी बात थी ये तो आपको क्लास में ही हो, क्या होना चाहिए हो जाना चाहिए अब किसी से हम पूछे कि मतलब ये 5 जो कंडीशन है परवाल के तो आपको कोई भी मिनट तक ये बता नहीं पाएगा तो ये चीज़ें क्या होंगी ये याद करने वाली नहीं है इसको आप पेपर पढ़ेंगे समझना हो जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद हमने बताया था आपको उसके टाइप बोला था मैंने कितने टाइप होते हैं 3 टाइप होते हैं कौन कौन से रेंजिंग होता है बैरियर हो गया और एटॉल हो गया ठीक है सबका अपना अलग होता है टटके सभी जो बनते हैं उनमें टटी कहते हैं कोस्टल वाला कहते हैं ठीक है इसके बाद जो एक बैरियर के रूप में होता है सबसे थोड़ा सा दूर उन्हें बैरियर कहते हैं उसके बाद आपका एटॉल किसी दिन के चारों जो बनते हैं उन्हें हम एटॉल कहते हैं ठीक है ये हो गया उसके बाद हमने कहा था इसके फायदे परवार मिट्टी के फायदे क्या क्या हैं क्या क्या बात है 3-4 गिना दीजिए उनके ये हमें ये प्रजातियों का संरक्षण करती है हाँ ये टट को लहरों से बचाती है ठीक है उसके बाद ये और इनको क्या कहते हैं ये महासागर में जब विविधता को बढ़ावा देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं इन्हें उष्णकटिबंधी वर्षा वन कहा जाता है तो ये हो गए ठीक है इसलिए ये क्या करना आपको कुछ पढ़कर एक बार कुछ मतलब माइंड में रख लेना है ठीक है और उसको लिख लेना है आप यहाँ जाते हैं उस पर एक नहीं ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको 150 शब्द मिलेगी उसके से आप उसकी मेन मेन चीज़ें वो 50 शब्दों में एक बार कोशिश करें लिखने के लिए तो आप चीज़ें क्या होंगी वो कभी दिमाग से आपके बाहर नहीं जाएंगे जैसे हम पढ़ते हैं रात को पढ़ते हैं पढ़ने के बाद हम बिस्तर पर जाते हैं जैसे मान लीजिए सर बता रहे थे विराट कोहली के बारे में सब जाते हैं बिस्तर पर तो मुझे देखना कि ठीक है हमने क्या पढ़ा देखते समय उसको रिवाइज करते हैं ठीक है इस तरह संविधान हो गया संविधान को हम 22 भाग में बांटते हैं पहला भाग क्या होता है आर्टिकल 1 से 4 तक दूसरा भाग 5 से 11 तक तीसरा भाग 12 से 35 तक फिर चौथा भाग 36 से 51 तक फिर 4 का 51 ठीक है फिर पाँचवा भाग 52 से लेकर आपका 151 147 से 104 वही कौन सा परीक्षा महानियंत्रण ठीक है फिर उसके बाद हम लोग स्टेट पर आ जाएंगे भाग 6 पर भाग 7 निश्चित है भाग 8 ठीक है इस तरह हम लोग इसे दिमाग पर की करेंगे सारे आर्टिकल याद रहेंगे ठीक है
उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी हम लोग जियोग्राफी में करते हैं, किसी एक महाद्वीप का पर्वत देख लिया, किसी एक महाद्वीप का नदी, दक्षिण अमेरिका के ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ हैं ठीक है, कहाँ गिरती नदी है, कहाँ गिरती, कहाँ निकलती, कहाँ गिरती है, ये हो गया। उसके बाद इसे हम मतलब हिस्ट्री मारते हैं, हिस्ट्री में क्या करना, मुझे गवर्नर गवर्नर उठाइए, वारन हेस्टिंग्स उठाइए, और फिर आप क्लियरमेंट्रिक तक आ जाइए क्रिकेट करके सिक्वेंस में ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं, फिर आपको लगता है कि सिर्फ वाला देखिए, सिर्फ क्रिकेट कितने युद्ध हुए वो देख लीजिए, आंग्ले मैसूर युद्ध और ये आंग्ले सिख युद्ध, अब आंग्ले नेपाल युद्ध, आंग्ले वर्मा युद्ध, ये सब देखते चाहिए, मतलब दिमाग रखना चाहिए, साइंस में साइंस का एक पोर्शन था इसको करिए, तो इस तरह करेंगे हो जाएगा ठीक है। चलिए तो विरंजन क्या है, किसी भी चट्टान या मूंगा जो है जब उसका किसी कारणवश से या तापमान की अधिकता से या उसमें जहाज रानी के मतलब जहाज ज़्यादा चलाते की वजह से या फिर स्वच्छ जल की जो भी चीज़ें हैं बहुत सारे रीजन हैं उनकी वजह से अगर उस पे होल से जो सवाल हैं वो क्या होते हैं फट जाते हैं तो वो क्या होते हैं वो वाइट दिखने लगते हैं जिन्हें हम विरंजक कहते हैं, इसी वजह से वो मर जाते हैं, फिर उनके ऊपर एक अलग प्रभाव रखता है, इस तरह उसका एक बच्चा जाता है ठीक है, वो चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा ठीक है। ज्वार भाटा होता क्या है, समुद्र की लहर जब उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर सागर की लहरें जो होती हैं या कोई जलीय क्षेत्र होता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से क्या होता है एक उछाव होता है तो लहरें क्या होती हैं ऊपर उठती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं ज्वार कहते हैं। यही जब लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं और आगे की तरफ बढ़ती हैं ठीक है उन्हें ज्वार कहते हैं, जब आगे गिरती हैं और फिर पीछे की तरफ वापस आती हैं उन्हें क्या कहते हैं भाटा कहते हैं ठीक है, ये ज्वार भाटा। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये चंद्रमा और पृथ्वी के मोशन पर और उसके बाद सूर्य के चंद्रमा के ज्वाइंट यानी आकर्षण शक्ति से लेकर ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसमें ये होता है कि जब भी एक जगह पर दूसरी बार जब ज्वार आता है तो कितने मिनट का डिफरेंस होता है, 6 घंटे लगभग 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 52 मिनट ठीक है, 24 घंटे का 52 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर आधा घंटा देखा जाए 12 घंटे का तो कितना होगा 26 मिनट का। ये क्यों होता है, जब पृथ्वी क्या होती है अपने अक्ष पर या अपने ध्रुव पर घूर्णन करती है यानी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, जब वो चक्कर घूर्णन करती है तो उसी साथ साथ क्या करती है चंद्रमा भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जब वो चक्कर लगाती है पृथ्वी तो चंद्रमा भी उसका चक्कर लगाते हुए क्या करती है वो उससे थोड़ा दूर आगे निकल जाता है, चंद्रमा की गति क्या होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है वो आगे निकल जाता है। फिर सेम उसी पोजिशन पर आने के लिए उसको कितना मिनट लगता है 52 मिनट का लग जाता समय उसी पोजिशन पर आने के लिए। इसलिए जब भी एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच मतलब एक ही दोबारा 24 घंटे में एक ही जगह दोबारा ज्वार आए तो कितना होगा 52 मिनट का डिफरेंस होगा। जैसे अगर ये होगा कि चंद्रमा जैसे है चंद्रमा है ये तो क्या करेगा यहाँ पे जो सारे जले क्या होंगे यहाँ पर इकट्ठा होंगी और ये ऊपर उठेगी ठीक है। जब ये ऊपर उठेगी तो सारे जल इधर से आएंगे इसकी तरफ आएंगे इधर से भी ऊपर से भी इधर से सारे जल इकट्ठा होंगे इसको मैं बैलेंस करने के लिए इनके अपोजिट में भी एक फोर्स काम करेगा जिन्हें क्या कहते हैं अपसारी ठीक है। इनको बैलेंस करने के लिए संतुलन बनाने के लिए क्या करेगा उसके पीछे भी एक ज्वार आएगा ठीक है जिन्हें हम क्या कहेंगे
अपसारी ज्वार, ठीक है। तो एक ही टाइम पे दो ज्वार आ रहे हैं, एक इस साइड पे आ रहा है और एक दो साइड पे आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, ठीक है। एक टाइम पे दो ज्वार है, फिर जब ये चक्कर लगाएगा मतलब घूमेगी तो 12 घंटा होगा, फिर उसके बाद एक मतलब इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर आए तो 12 घंटे लगेगा, उसके बाद क्या करेगा ये चंद्रमा थोड़ा सा आगे यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पाएगा ये चंद्रमा थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। तो इस चीज़ को यानी इस जगह को यहाँ पर आने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या है, उसी टाइम को मैनेज करने में उसे कितना 13 मिनट लगता है, 26 मिनट, कितना लगेगा 26 मिनट। क्योंकि जब पूरा मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है यहाँ तक आने में इसको 26 मिनट, यानी एक ही जगह पर अगर वो आ रही है बार बार तो 24 घंटे में जो जहाँ पर आ रही है तो वहाँ पर 52 मिनट, और आज आधे पोर्शन पर आ रही तो 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। इसके बाद ये होता है जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, कहाँ आती है इस साइड आ जाता है चंद्रमा घूमते घूमते, तो क्या हुआ ये और ये सूरज की उस कितने का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने का 90 डिग्री का। यहाँ पर जो ज्वार आएंगे ये क्या होगा उच्च ज्वार, क्या होगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लहरें क्या हो रही है ज्यादा उठ रही है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा क्या है दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ चंद्रमा का प्रभाव है। तो यहाँ पर छोटा सा ज्वार होगा जिन्हें हम क्या कहेंगे लघु ज्वार कहेंगे, छोटा ज्वार, ठीक है। और ये कब होता है, अच्छा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नाम सुना आप लोगों ने, क्या होता है कोई यही मुझे बताया खड़े होकर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, हाँ जी कोई बता मुझे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है, 1 से 14 तक चंद्रमा दिखाई देता है तो एक पक्ष हो गया, उसे क्या कहेंगे शुक्ल पक्ष कहेंगे, और जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसे कृष्ण पक्ष कहेंगे। कभी कभी विलोम शब्द पूछता है कृष्ण का विलोम क्या होगा शुक्ल होगा, ठीक है ये, ठीक है। तो वो क्या होता है ये सप्तमी सप्तमी और अष्टमी क्या होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने सप्तमी और क्या है ये मतलब डेट है ये ना हिंदी का डेट मतलब सप्तमी अष्टमी नौमी क्या नौमी फिर दसवीं फिर एकादश एकादशी मनाते हैं फिर वो चीजें, ठीक है। एकादशी जब आप दसम तत्व पढ़ेंगे अभी आरओ का जब पेपर देने जाएंगे दसम तत्व पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें आएंगी, कौन दसम शब्द है कौन तत्व शब्द है, ठीक है। तो वहां पर अष्टम मतलब सप्तमी या अष्टमी को ये कंडीशन होती है, ठीक है ये वाला जहां पर आपके लघु ज्वार होते हैं। और उच्च ज्वार कब आते हैं किस कंडीशन में, उच्च ज्वार, हाँ जी तीनों एक सीट में, ये तीनों एक सीट में कब कब आते हैं, तीनों एक सीट में कब कब आते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, न्यू मून या फुल मून, जिन्हें हम अमावस्या या पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। इतना सारा क्लियर होना चाहिए, न्यू मून या फुल मून, अमावस्या पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, ठीक है। जैसे हमने बताया था शुरुआत में चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के मान लीजिए पृथ्वी हो गई, क्या हो गई ये पृथ्वी, पृथ्वी हो गया। अब इसके बगल में हम कहाँ लिखे क्या लिखे इसको क्या कहना है, चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा लेती है पृथ्वी कहाँ रखे बीच में, पृथ्वी को सूर्य कहाँ रखे पृथ्वी मैंने पहले रख दिया है, हाँ जी तो पृथ्वी किधर होगा ये मैं पढ़ा चुके हैं, ये चलिए बताइए खड़े होकर आप इसमें कहाँ रखेंगे, ये पृथ्वी पी से पी पृथ्वी मां चंद्रमा,
शुरू में कहाँ रखेंगे? इधर ठीक है, समझ में आया? अब इधर सूर्य किरण आएंगी तो क्या करेंगे, इधर रोक लेगी, ठीक है। इससे क्या होगा? चंद्रग्रहण होगा। चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा कब होती है? पूर्णिमा जब पृथ्वी, उसका मतलब आप लोगों ने चंद्रमा बीच में आती है, क्या बोलता सूर्य ग्रहण? चंद्रमा सर बीच में आ जाती है, जब सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा बीच में आता है। इसीलिए कहते हैं आप लोगों को हमेशा, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है, अब सूर्य ग्रहण में आइए। मान लीजिए ये सन हो गया, क्या है अभी चंद्रमा, ठीक है, अब क्या होगा? चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, और ये पृथ्वी हो गया, ये रोक लिया, ठीक है, वहां नहीं हुआ, इसको क्या कहेंगे हम? सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। लेकिन फिर भी अभी घर आप लोग जाइएगा, एक बार फिर से पढ़िएगा आप लोग, इसका मतलब देखिए जितना पढ़िए परफेक्ट पढ़िए, ठीक है, जितना पढ़िए आप लोग परफेक्ट पढ़िए और कम पढ़िए, इससे यह होगा कि जो जानकारी है उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, गलत ना हो। इसलिए हम कह रहे हैं अभी भी, ठीक है, आपने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बताया, अभी आपको क्या बताना है मुझे? अमावस्या और पूर्णिमा कब होता है, ठीक है, ये आगे कल मुझे बताइएगा, आपको देख के आइएगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। आप जानती हैं, बताइए आप पूर्णिमा और क्या होता है? पूर्णिमा चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ठीक है, लेकिन फिर भी जाके घर पे क्या करना है आपको पढ़ना, उस पर 10 शब्दों में लिख लेना है। कोई चीज़ अगर हम लिख लेते हैं तो वो क्या होती है? गलत नहीं होती। जैसे हमने आपको खड़ा करके पूछ लिया तो फिर वो चीज़ आपको, जिसको मैंने खड़ा किया उसको तो गलत नहीं है करेगा, कोई घर पे जरूर देखेगा कि ये चीज़ें, इसलिए उसको आप जो पढ़े लिखिए। हमें पढ़ाना था आज एल नीनो भी, एल नीनो अगानी ना, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं अभी ओशियन करंट पढ़ाने के बाद ही आपको समझ में आएगा, मतलब हम्बोल्ट की धारा, विश्वदेखी धारा ये कब आती हैं, उनको पढ़ाने के बाद ही एल नीनो पढ़ाएंगे हम, ठीक है। लेकिन तो वहाँ के कारण पहले ही उन्होंने दे रखा है, लेकिन हम चाह रहे हैं वो गलती हम नहीं करें, ज्वालामुखी वाला और लेटर टाइम फ्यूरी वाला, पहले ज्वालामुखी पढ़ा दें, पहले दिन बाद पढ़ाएं, ठीक है। इसलिए हम पहले ओशियन करंट पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एल नीनो पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए भगवान मिलने चलिए, प्रवाल जीव का प्रवाल प्रेजेंट लिखिए, कोरल ब्लीचिंग प्रवाल प्रेजेंट, प्रवाल जीव का जूजन थी जूजन प्रवाल जीव जुजंथली प्रवाल जीव जुजंथली नामक अति सूक्ष्म जुजंथली नामक अति सूक्ष्म शैवालों के साथ जुजंथली नामक अति सूक्ष्म शैवालों के साथ
गहरा संबंध होता है, गहरा संबंध होता है। हरे रंग के, हरे रंग के ये अति सूक्ष्म शैवाल, हरे रंग के ये अति सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। और इन शैवालों से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करके, और इन शैवालों से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करके प्राप्त करके समृद्धि होते हैं, समृद्धि होते हैं। परंतु जब कभी, परंतु जब कभी सागरी जल, परंतु जब कभी सागरी जल, सागरी जल के तापमान में वृद्धि होती है, जल प्रदूषण वृद्धि होती है, और जल प्रदूषण तापमान में वृद्धि एवं जल प्रदूषण और प्रजातियों का, बाहरी प्रजातियों का की वृद्धि, बाहरी प्रजातियों की वृद्धि आदि कारणों से शैवाल मरने लगते हैं, आदि कारणों से शैवाल मरने लगते हैं। और हरे शैवाल कारण, और हरे शैवाल कारण सफेद होने लगता है, और हरे शैवाल का रंग सफेद होने लगता है। तब शैवालों के अभाव में, तब शैवालों के अभाव में प्रवाल कीटों को, तब शैवालों के अभाव में प्रवाल कीटों को, कीटों को, प्रवाल कीटों को पड़े, कीटों को पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है, पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है। और वो भी मरने लगते हैं, और वो भी मरने लगते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही प्रवाल विरजन कहते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही प्रवाल विरजन कहते हैं, प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को प्रवाल विरजन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग
पानी को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण माना जाता है। प्रवाल विरंजन के बारे में, प्रवाल विरंजन के बारे में उन्नीस सौ उन्नीस में अल्फ्रेड मेयर ने जानकारी दी। अल्फ्रेड मेयर ने जानकारी दी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये इस पर आपको तो क्या करना है, घर पे जाना है आपको, कुछ नहीं, कम से कम ज्यादा नहीं 30 शब्द या 40 शब्द लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको विस्तार करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि हाथ के बारे में लिखिए, कितना, मैंने कहा कि हाथ के बारे में 30 शब्द में लिखिए, और ये राइट हैंड है, मैंने कह दिया इसके हाथ के बारे में 3 शब्द में लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप 3 शब्द में। ठीक है, ज्यादा काम दाहिने हाथ से हम करते हैं, इसका ज्यादातर खाने के यूज में करते हैं। ठीक है, और अक्सर लगभग 95% लोग इससे लिखने का भी काम करते हैं, लेकिन मैं कहूँ नहीं, इसे 50 शब्दों में लिखना है, तब राइट हैंड को क्या 50 शब्दों में लिखना, तो फिर ये हमारे शरीर की दाहिना हाथ है। ठीक है, इसमें आपके 5 फिंगर होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसको, उसमें इसकी कितनी हड्डियाँ होती हैं, हाथ में कितनी है, सब चीज़ों को इसमें आपको करने आना चाहिए, सब चीज़ों के लेकर, तो ये आता है नहीं। ठीक है, ये करना है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे जवाब बाटा। जवाब बाटा, किसी को क्वेश्चन पूछना है, समझा तो दिया मैंने। हाँ जी, क्या आवाज नहीं आ रही मुझे, कोई एक बोले मुझे, नहीं नहीं ये देखिए, ये हर जगह आते हैं, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ देखने मिलता है, सागरी क्षेत्रों में मिलता है। नदियों में क्या होता है, जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन सागरों में क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर हमें इसका प्रभाव ज़्यादा देखेगा, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह होता है, लेकिन उसको हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नहीं, गहराई ज्यादा होती है, जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, जिससे वो और ज्यादा ऊपर उठ सके और खिंचाव ज्यादा हो, क्योंकि और भी होता है कि मतलब गुरुत्वाकर्षण का भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण पर वहाँ पर ज्यादा पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, और कुछ हो गया, क्लियर, और किसी को उसमें ज्वार भाटा में। हाँ जी, दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए कि क्या होता है, इससे लगता है कि हाँ मतलब आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, घर से पढ़ कर क्या आना है, ओशियन करंट के बारे में, समुद्री धाराओं के बारे में, उस पर पढ़ के आएंगे तो डिस्कस होगा हमारे आपके बीच। हाँ, सही, क्योंकि देखिए ये चीज़ें क्या, भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप समझने की कोशिश करना पड़ेगा, जितना आप समझेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ जी, किसी को और कुछ, किसी को नहीं, सबको पता, क्लियर हो गया, इधर हो गए, ठीक है, कल पढ़ के आएगा, लेकिन ध्यान से। ठीक है, ठीक है, ज्वार बाटा लिखिए, अगला टॉपिक ज्वार बाटा, सत्या पढ़ना समझ रहा है, समुद्री धाराएं और ज्वार बाटा, जो चीज समझ में नहीं आ गया वो आके यहाँ पर पूछना। ठीक है, ठीक है, ज्वार बाटा, सूर्य तथा चंद्रमा
सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वारभाटा कहते हैं। सागरी जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वारभाटा कहते हैं। आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वारभाटा कहते हैं। सागरी जल के ऊपर उठने तथा सागरी जल जो नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। क्या हुआ, क्या छुटा? ठीक है, पीछे गिरने को मतलब गिरकर पीछे हटने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं, टाइड और एब। ठीक है, महासागरी जल में सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी के केंद्र चंद्रमा के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। जिससे वहां पर कुछ ज्वार आते हैं। इसके विपरीत उसी समय पृथ्वी के अपोजिट साइड यानी विपरीत साइड पृथ्वी के विपरीत साइड जो चंद्रमा से दूर होता है से वहां भी अपसारी बल के कारण ज्वार आते हैं। बल के कारण ज्वार आता है
इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं। मैंने बताया था आपको, क्या था ये पृथ्वी है और ये क्या है चंद्रमा है, तो इसकी सब क्या करता है ये जल का यहाँ पर हो रहा है, तो फिर ये केंद्र प्रसारीकरण के कारण भी इधर भी क्या हो रहा है दोनों तरफ क्या हो रहा है, इधर भी जल क्या हो रहा है इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, इसके पृथ्वी के केंद्र प्रसारीकरण के कारण इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी कुछ जल ऊपर की तरफ बाहर तरफ निकल रहा है। इन दोनों को मतलब एक समय में दो घटनाएं हो रही है, मतलब एक समय में दो ज्वार आ रहे हैं, ठीक है, एक चंद्रमा के साइड में और एक चंद्रमा के मतलब पृथ्वी के अपोजिट साइड में, ठीक है। क्या लिखा था लास्ट में, उत्पन्न होते हैं एक तो चंद्रमा के सामने दूसरा उसके ठीक पीछे। चंद्रमा के सामने उसके विपरीत भागों के बीच चंद्रमा के सामने और उसके विपरीत भागों के बीच दो स्थान ऐसे भी होते हैं जहां से जल खींच कर ज्वार वाले स्थान पर आ जाते हैं। इसे भाटा कहते हैं। ज्वार प्रत्येक स्थान पर प्रायः दो बार आता है। लेकिन ज्वार के आने का समय लेकिन ज्वार के आने का समय नियमित रूप से एक ही नहीं रहता। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी का मौसम कैसे है, डायरेक्शन क्या है उसका, और चंद्रमा का सेम वही है, गलती नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी कक्षा पर
एक पूरा चक्कर यानी एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अतः चंद्रमा अगले एक दिन में अपने निश्चित ज्वार केंद्र से आगे बढ़ जाता है इस कारण ज्वार केंद्र की चंद्रमा के इस नवीन केंद्र ठीक नीचे तक पहुंचने में 52 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक अगले दिन ज्वार केंद्र को अपने नवीन ज्वार केंद्र के पास पहुंचने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। देखिए आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, जो मैंने लिखा है समझ में आया नहीं तो बोलना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग के चेहरे से पता चल जाता है मुझे, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्या है, ये पृथ्वी है, क्या है ये पृथ्वी है, इसका मौसम क्या है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ है, इसके चारों तरफ चंद्रमा है, ठीक है। मान लीजिए पहला ज्वार जो था, ठीक है, पहला ज्वार कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर ले रही है, लेकिन चंद्रमा भी क्या कर रहा है, अपनी घूमना भी कर रहा है और साथ में पृथ्वी का क्या कर रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और अपने खुद का घूमना भी कर रहा है, ठीक है। ये हुआ जब ये 24 घंटा पृथ्वी लगाती है, फिर चंद्रमा आता है चक्कर लगाते हुए, क्या करता है चंद्रमा
पोजीशन क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, चंद्रमा इसका चक्कर लगाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर अपना पूरा करती है, घूर्णन करती है। तो सेम जो ये वाला पोजीशन है जहां पर पहला ज्वार आया था, वो यहां पर चंद्रमा कहां चला गया, पृथ्वी इसको 24 घंटे में करते हुए यहां पर आ गई। ठीक है, ये ज्वार वाला केंद्र है, यहां पर आ गई, लेकिन चंद्रमा क्या हुआ कि परिक्रमा करते हुए कहां निकल गया, आगे निकल गया, आगे निकल गया। तो अब क्या करेगा, अभी इतना अभी यहां तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 52 मिनट, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना लग रहा है, 52 मिनट का। ठीक है, तो यही जो दूरी है इसको, जब इस सेम ये वाला यहाँ पहुंचने में इसको कितना लगेगा, 52 मिनट का। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि ये चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ज्वार है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ भी ज्वार है। जब ये दूरी चंद्रमा ऐसे करता हुआ आता है यहाँ पर, ठीक है, तो कितने घंटे लगते हैं, मतलब पृथ्वी घूर्णन करती है इस वाले पोर्शन को, और कितना, 12 घंटे, क्योंकि आधा पृथ्वी ने क्या किया, आधा चक्कर लगाया, तो कितने घंटे लगाएगी, 12 घंटे लगाएगी। लेकिन उस ज्वार तक पहुंचने में उसको कितने मिनट का लगेगा, टाइम 26 मिनट का लगेगा। ठीक है, इसलिए अर्थ ज्वार होता है, एक क्या होता है, अर्थ ज्वार, उसको कितना मिनट लगेगा, 6 घंटा 26 का आधा करेंगे कितना होगा, 13 मिनट अर्थ ज्वार में। ठीक है, ये चीजें होंगी, ध्यान रखना आपको, यानी एक ज्वार दूसरा पहुंचने में, लघु ज्वार वाले में आपका ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये लघु ज्वार है, क्या ये क्या होगा, यहाँ पर लघु ज्वार होगा ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने क्या टाइम लगेगा, 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, 6 घंटा, और यहाँ तक 12 घंटा 26 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ तक आपके 24 घंटा 52 मिनट। तो ये चंद्रमा का क्या है, चीजें, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अब हाँ जी पीछे से ये मोशन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, ये से देखना आपको। फिर भी अगर अभी भी आपको संकोच है कि पता नहीं क्या मुझे समझ में आया कि नहीं आया, तो घर पे एक बार जाके इसको क्या करना है, पढ़ना है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे मुझसे कल डिस्कस कर लेना, ठीक है, क्लास में। ये नहीं मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं इसको समझना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे समझना ही नहीं है, तो समझना है हर हाल में, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ये चीजें हो गई, अब कुछ कुछ और चीजें बची है, वो थोड़ा सा लिख लीजिए आप। ठीक है, दीर्घ ज्वार, पहला दीर्घ ज्वार, बड़ा ज्वार, दीर्घ ज्वार, अच्छा संधि नहीं पड़ी आपने, दीर्घ संधि, पूर्व संधि, वृद्धि संधि, कितनी संधि आती है, पांच होती है, पांच नहीं दो होती है, स्वर संधि पांच होती है, हाँ स्वर संधि पांच होती है ना, हाँ ठीक है, दो दीर्घ वाला है, ठीक है। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तीनों एक शीर में होते हैं, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तीनों एक शीर में होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की, तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से दीर्घ ज्वार आता है,
संयुक्त आकर्षण शक्ति से दीर्घ ज्वार आता है। आकर्षण शक्ति से दीर्घ ज्वार आता है। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। अच्छा, सूर्य का प्रभाव कम क्यों दिखाई पड़ता है? कितने किलोमीटर है? 14 करोड़। कितना है? और चंद्रमा कितने दूरी पर है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए वो नजदीक जाता है। ठीक है, इसलिए वो उसकी चेंज जाता है और चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। इसका प्रभाव कम होता है लेकिन चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। लघु ज्वार, अगला लघु ज्वार। पूर्णमासी तथा अमावस्या के मध्य, पूर्णमासी तथा अमावस्या के मध्य, पूर्णमासी तथा अमावस्या के मध्य कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी अष्टमी की तिथियों में, सप्तमी और अष्टमी की तिथियों में सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाती हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाती हैं। पृथ्वी के साथ समकोण बनाती हैं। इस समकोणीय स्थिति में सूर्य और चंद्रमा सागरी जल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस समकोणीय स्थिति में सूर्य और चंद्रमा सागरी जल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा अपनी ओर सागरी जल को आकर्षित करते हैं आकर्षित करते हैं। जिनकी ऊंचाई कम होती है इन्हें लघु ज्वार कहते हैं। ये कौन सा पोजीशन है? ये वाला पोजीशन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये मान लीजिए क्या सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया। चंद्रमा कहाँ गया है? ये मान लीजिए सूर्य हो गया। ये वाला क्या हो गया यहाँ से, फिर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर लघु ज्वार और यहाँ पर लघु ज्वार आएंगे दो कंडीशन में, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ मान लीजिए चंद्रमा है, ये चंद्रमा और ये क्या है? सूर्य है। तो दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री का अंतरी बना रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, अगला दैनिक ज्वार। जब एक ही स्थान पर
एक ज्वार एक भाटा आता है, एक ज्वार एक भाटा आता है, तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इन्हें 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। एक यूनिट कितने घंटे के बराबर होता है? हाँ जी, एक यूनिट कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं 12 घंटे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 30 घंटे। 24 वाले और 12 वाले कौन कौन से हैं? तो और क्या, तो 24 घंटे होते हैं और पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है, ये चीजें। तो एक दिन में वो घटना घट रही है। तो मैंने बोला था चंद्रमा क्या करता है, वो पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो पृथ्वी का जो जहाँ पर ज्वार आया रहता है वो वाला केंद्र मतलब सेंटर चंद्रमा के सामने आने में उसी कितना एक्स्ट्रा मिनट लगाते हैं? 52 मिनट। तो 24 घंटे 52 मिनट, ठीक है। और लघु ज्वार में कितने घंटा कितने मिनट? 6 घंटे 13 मिनट। संपूर्ण स्थिति में चल, इसलिए मैंने मैप बना दिया था आपको, यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। चार भागों में डिवाइड किया गया है, तो देख लेना आपको 6 चौक 24 होता है, 13 चौक 52, 13 में कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला अर्ध दैनिक ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। अगला अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, एक ही स्थान पर जब दो बार, एक ही स्थान पर जब दो बार अर्धदैनिक ज्वार भाटा में, एक ही स्थान पर जब दो बार ज्वार आते हैं, ज्वार आते हैं, तब एक ज्वार और दूसरे ज्वार में कितने घंटे और कितने मिनट? 12 घंटे 26 मिनट। अर्ध ज्वार मैंने बोला आधा, 6 घंटे 13 मिनट। यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक आएगा कितना मिनट आएगा? 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है, ध्यान रखना। ये लघु ज्वार है जो संपूर्ण वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। उसमें कितना लगेगा आपको? 6 घंटे 13 मिनट। इसको इस मैप को समझने की कोशिश करिए, ये देखिए 6 घंटा 13 मिनट, ये 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 लघु ज्वार हो गए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको अर्ध ज्वार और ये दैनिक ज्वार, ठीक है, ध्यान रखना। जब तरीका में लास्ट में जब तब एक ज्वार और दूसरे ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। ये आपका ज्वार और भाटा हो गया। अगर इसमें भी अभी भी कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एक बार घर से पढ़ के आइएगा जरूर, ठीक है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे, हाँ, बात करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं मैपिंग, 10 मिनट बचे हैं,
तो हमने क्या लिखा था अभी में, हाँ जी, दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रेणियां, पश्चिमी पर्वत श्रेणी लिखवा दे, लिखवा दिए। यहाँ पर ये दो भागों में विभाजित होती है, दो भागों में विभाजित होती है, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल इन पर्वतों के बीच एक अंतरपर्वतीय बेसिन भी स्थित है, इसमें चिम्बूराजो इक्वेडोर की सबसे ऊंची, चिम्बूराजो इक्वेडोर की सबसे ऊंची स्थित है, सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और ओजेस डल स्लैडो ऊंची चोटी स्थित है, और ओजेस डल स्लैडो
ओजेस जस्ट लेट हो देखिए मैप में नीचे हो, ये अर्जेंटीना में स्थित है जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये अर्जेंटीना में स्थित है जो ज्वालामुखी पर्वत है। पेंटागोनिया का पठार पेंटागोनिया मैप मैप देखिए साइड में है पेंटागोनिया नीचे देखिए नीचे पेंटागोनिया का मरुस्थल मरुस्थल इसमें लिखा हुआ है पेटागोनिया का मरुस्थल जो शिव मरुस्थल है। ये कहाँ पर है? कुछ अक्षांश में स्थित है। कहाँ कहाँ पर है ये? इसका लोकेशन देखिए आपको कहाँ पर है ये? चिली और अर्जेंटीना के क्षेत्र में है। तो पढ़ लिखिए पेटागोनिया मरुस्थल एक शिव मरुस्थल है जो चिली और अर्जेंटीना के क्षेत्र में स्थित है। ये एक शीत मरुस्थल है जो चिली और अर्जेंटीना के पठार के मरुस्थल में ठीक है उसका शीत मरुस्थल है जो आपके वो चिली और अर्जेंटीना के क्षेत्र में स्थित है ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ब्राजील के जो मेन शहर है वो फेमस किस लिए हैं वो देखा जाएगा। सर आ गए हैं तो हम लोग कल क्या करेंगे? जैसे साओ पाउलो हो गया, इताबिरा हो गया, सैंटोस हो गया ठीक है, ये किसके लिए फेमस है तो इनके बारे में हम लोग एक एक शब्दों में लिखकर चलेंगे ठीक है। और आप भी क्या करना है आपको जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका आप लोगों को पूरा एक बार देखना है कहाँ से क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज पूरा कठिन क्षेत्रों के बारे में। जैसे आपको क्या है मिस्र, उसके बाद आपका ट्यूनिशिया, फिर उसके बाद आपका क्या होगा अल्जीरिया, फिर मोरक्को, फिर सहारा ठीक है, फिर उसके बाद आपका सेनेगल ठीक है, गाम्बिया, फिर नीचे आगे घाना, टोगो, फिर कैमरून से बीसी करके हम लोग नाइबीरिया, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर जाम्बिया, फिर उसके बाद आपका तंजानिया, कीनिया, फिर सूडान, फिर आपका इथियोपिया ठीक है, इटलिया, जिबूती, फिर हम लोग आ जाएंगे मिस्र पर। तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज तटीय क्षेत्रों को देखना है ठीक है, ठीक इतना करके लाना आप लोगों को।